अजरबैजान के नागार्नो और काराबाख में पिछले 7 हफ्तों से गूंज रही धमाकों की आवाज अब शांत हो जाएगी। खूबसूरत वादियों वाले इस शहर के लिए लड़ रहे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच अब रूस ने शांति समझौता करा दिया है। इस समझौते के तहत आर्मेनिया को अब नागार्नो और काराबाख से पीछे हटना होगा। इस तरह अजरबैजान ने 6 हफ्ते चली इस लड़ाई में अपनी छीन ली गई जमीन को वापस हासिल कर लिया है। अब अजरबैजान में शांति है। इस पूरे टकराव के दौरान अजरबैजान में रह रहे भारतीयों ने हर तरह से वहां के लोगों की मदद की और अब भी कर रहे हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू में रहने वाली डॉक्टर रजनी डिमेलो और उनके पति रोनाल्डो डिमेलो ने हमसे बात की और वहां की स्थिति से हमें रूबरू कराया। जहां पर वॉर जोन है वहां से पूरा 70 किलोमीटर दूर है और इसमें बॉम्बिंग करना ये बिल्कुल ही हैवानियत है। इसको कोई भी इंसान इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ये हो गया था। Bombed at 2 o'clock in the night. आर्मेनिया हम पर रात के 2 बजे बमबारी करता था। इससे उनके इरादे साफ हो जाते हैं कि वो आम लोगों को ही निशाना बनाना चाहते थे। डिमेलो दंपति ने बताया कि आर्मेनिया युद्ध की आड़ में निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा था। उनका ये भी कहना था कि भारत और बाकी देशों को भी अजरबैजान में रह रहे लोगों का दर्द समझना होगा। युद्ध फौजियों के बीच में होता है। यदि निर्दोष नागरिकों पर हमला किया जा रहा है तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। दिस इज कंडेम्ड इन द हार्शेस्ट वर्ड्स। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में भी ये सब चीज़ें जाने, तो अजरबैजान अपना राइटियस अपना लैंड के लिए लड़ रहे हैं। डिमेलो दंपति ने युद्ध की विभिषिका को अपनी आंखों से देखा है। वो जानते हैं कि इस युद्ध ने दोनों ही देशों को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये शांति अब हमेशा के लिए बनी रहे। आर्मेनिया को तत्काल रूप से अपने हमलों को रोकना चाहिए। इसे बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कहा जा सकता। आर्मेनिया के लोग अपने दिलों पर हाथ रखें और खुद से पूछें कि क्या वो सही कर रहे हैं। युद्ध से पीड़ित लोगों ने शांति प्रिय भारतीयों की मदद को बहुत सराहा है और उन्हें सम्मान भी देते हैं। इंडियन से बहुत प्यार है और हम भी वो उसका प्यार और उन लोग जो अफेक्शन हमें दिखा रहे थे, सो वी वांट टू शो रेस्पॉन्ड टू देयर अफेक्शन एंड लव विद आवर कंसर्न। हम लोग इनके लिए अपना इनका दर्द बांटने के लिए अभी आए हैं हम लोग। अब अजरबैजान में शांति है और वहाँ का हर एक नागरिक बस यही चाहता है कि इस तरह का भीषण युद्ध उनके देश को फिर से देखने को ना मिले। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।